बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो होगा कलमकारी के ऊपर, आम की कलमकारी के ऊपर। हमने पहले वीडियो नहीं बनाई आम की कलमकारी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों की कमेंट्स और कॉलें आती रही हैं कि आम की कलमकारी हमें करके दिखाएँ। हम तरीका देखते हैं और हम फिर खुद ही तरीके को सीख लेंगे वीडियो देख के। तो शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले आपने सेहतमंद कलम लेनी है। कलम उस पौधे की लेनी है जिस किस्म का आप पौधा करना चाह रहे हैं। तो हमने एक ली है सिंधड़ी नस्ल के एक पौधे की कलम। तो कलम जो ली है, कलम का नाम भी लोग कहते हैं कलम, इसको बनाना ही कलम की तरह है। ये देखें सेहतमंद ली है। इसमें एक बात नोट करनी है, वो ये बात है कि ये पत्ता जो मैंने काटा है ना, आपको नज़र आ रहा होगा पत्ता काटा है, थोड़ा सा इसको कलम के साथ नहीं काटना, थोड़ा सा वक्फ़ा देना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वक्फ़ा है इसका, जो ही कलम निकलेगी तो वक्फ़ा होगा शापर के अंदर, तो वो वक्फ़ा जो होगा जैसे कलम वो थोड़ा सा निकल जाएगी, वक्फ़ा उसको मिल जाएगा। फिर जब हम शापर खोलेंगे तो अच्छी तरह से वो आ जाएगी वीडियो में। ये देखें ये कलम की तरह हमने बना लेनी है। ये कलम बन गई, फिर हम उसको जिस पौधे के ऊपर करनी है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे, उसका जो है ऊपर वाली खाल थोड़ा सा उसको चाकू के साथ ही उसको निकालेंगे। ये कलम फिर उसके अंदर ही छिलके के अंदर चली जाएगी। अभी शुरू करने लगे हैं। ये निशान उतना ही लगाना है जितना आपके आपने कलम का निशान ही लिया है। ये देखें ये वही साइज़ है बस। ये अभी धागा लगा दें, कलम इसके अंदर ही हमने छिलके के अंदर डाल दी है इसके खाल के नीचे। तो फिर हमने इसको कस के ही धागा लगा देना है, जिस धागे से हम बोरी का मुंह सीते हैं गंदम की बोरी का, तो वही धागा अब बड़ी मजबूती के साथ लगाना है इसको। जब धागा लग जाए तो फिर अगला प्रोसेस शापर का होता है, ताकि हवा जो है क्रॉस ना हो इसके दरमियान में। ये शापर अभी कंप्लीट हो गया है। 20 दिन के बाद इस कलम को देखेंगे। तो अभी यही ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह ने